सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे केस में गिरफ्तार करने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। मामले में स्वतः ज्ञान लेने की मांग को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी ब्यावर के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, जिससे बौखलाई भाजपा रोज कभी एलजी के रास्ते तो कभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए आप सरकार के ईमानदारी देशभक्त नेताओं को निशाना बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में भिजवा रही है। जबकि पूर्व में कई एमएलए पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने झूठा पाते हुए बरी किया है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार के खिलाफ ऐसे आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, जो कि सरासर गलत है, जिस पर आप स्वयं संज्ञान लेकर निरंकुश केंद्र सरकार पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगावे। ज्ञापन में बताया गया कि पूरा देश देख रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन राजनीतिक दुश्मनी निकाल रहा है। एक बार पुनः आपातकाल से स्थिति नजर आ रही है, जो कि देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दुनिया में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अलख जगाने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजना दुर्भाग्य की बात है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम की आड़ में अपने बड़े व्यापारी मित्रों के साथ मिलकर इस देश की अकूत संपत्तियों और संस्थानों को लगातार बेच रही है। वे इनके कई बड़े मित्र देश को लूटकर देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अतः इस पर स्वयं संज्ञान लेकर केंद्र सरकार पर अंकुश लगाया जावे। ज्ञापन देने वालों में नीलेश बुरड, पदम चंद, बाबूलाल, कन्हैया लाल, कैलाश सामरिया। हम ये मांग करते हैं कि देश में 3000 पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, उससे ये बात तो पुष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी के किए गए कामों से, सकारात्मक कामों से और जनता के बुनियादी कामों से बौखलाई भी हुई है। और जो स्वास्थ्य में जो मॉडल दिया है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी जैन को जेल में डाल दिया गया है। आज शिक्षा मंत्री और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, जो कि केंद्र सरकार भी कहती है, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। उससे उनकी नियति साफ हो गई है। और यह आम आदमी पार्टी है, यह कोई दूसरी छोटी मोटी पार्टी नहीं है। इस पार्टी का जो बीज है, जितना दबाओगे उतना पेड़ बन के वापस निकलेगा, ये इनको पता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन देना ही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार आपातकाल की स्थिति दिला रही है और हमारे नेताओं को उठा उठा कर जेल में डाल रही है, वो उनकी हताशा साफ व्यक्त करती है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि कृपया आप इस मामले में इंटरफेयर करें, नहीं तो ये केंद्र सरकार विपक्ष को तो पसंद ही नहीं करती है और विशेष रूप से आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। Myself Kashar Dagdi and I am Ashish Jain, and we are currently studying at Guru Siddharth International School, a branch of JDA Group. The faculties of this school are well experienced and they also provide us well equipped laboratories. The teachers help us in building our concept in every subject, and they too help us in clearing our doubts in every aspect possible. I am sure that after coming to this school, I can crack my targeted exam and we can excel with flying colors. Thank you. Thanking all my beloved teachers for guiding us all and bestowing us with all the blessings, moral values and disciplines. Thank you. Hello, I am Pawan Soni, HOD Chemistry in Guru Siddharth International School. I have 10-year teaching experience of chemistry subject. मेरे इसी एक्सपीरियंस से मैं उन पेरेंट्स को अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगी जो अपने बच्चों को आगे साइंस स्ट्रीम में ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ 8th क्लास से ही बच्चों को साइंस एंड मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल में 10th एंड 12th में मेरिट लाते हैं।
We provide practical-based learning, dub classes for numerical questions, laws and theories, conceptual notes, daily practice worksheet and science exhibitions. So join your hands with us for your child's bright future. Thank you. स्कूल का वातावरण, पढ़ाई के प्रति शिक्षकों का प्रेरणा कैसी क्या रही आपके लिए? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किसने की? मतलब साइंस में इसमें तो बेस्ट स्कूल व्यावहार में रही है और यहाँ की सारी फैसिलिटीज भी। We at GSIS not only educating a child, but yes, adding more to their potential. By providing them a child-centric, play-way, innovative learning activities and curriculum with experiential learning in a relationship-driven environment, especially for pre-primary and primary students. And for senior group of students, a research-based and innovative learning methodological styles are being opted by us. We believe in 360-degree development of 21st century leaders.